व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस ऐसे ही बंक मारना, ये करना वो करना सब. कॉलेज में मैंने भी वही किया था फर्स्ट ईयर में, ऑब्वियसली. तो ये तो था ही, वो मेरा भी एटीट्यूड वही रहा था. पर ऐसा था ना सर कि व्हेन यू वर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट? सो जेई का मतलब मुझे इतना ही पता था कि जॉइंट एंट्रेंस, इट्स अ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एंड यू जस्ट राइट इट फॉर गेटिंग इन टू इंजीनियरिंग कॉलेज. पर उसके बाद पता चला था कि देर आर एग्जिस्टेंस ऑफ सच IITs एंड सच बिग कॉलेजेस, IISc एंड ऑल. सो लोग इतना मतलब पागल क्यों होते हैं कि जब मतलब अगर आप करियर वगैरह के बारे में देखोगे, ऐसा कुछ देखोगे यूट्यूब पे या फिर एनी गूगल, इफ यू गूगल इट, सो IIT के बारे में ही ज्यादा पढ़ना पड़े पढ़ने मिलेगा, और एल्स यू विल गेट UPSC और समथिंग लाइक दिस. सो मोस्टली ऐसे सब होता है. तो क्यों, मतलब मेरा क्वेश्चन तब ऐसा ही रहता था कि क्यों लोग IIT के लिए इतना पागल हो जाते हैं. तो तब मुझे समझ आया था कि कितनी अपॉर्चुनिटीज, मतलब कितनी वास्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाती है व्हेन यू गेट इनटू सम बिगेस्ट कॉलेजेस. सो ये था. तो कि जब मैं था जब फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ तब तक कुछ पता नहीं था. पर ऐसा होता है ना कि एडमिशन के टाइम पे सारे कॉलेजेस ही अपने प्लेसमेंट वाली प्लेसमेंट कितना कैसा रहा ये वो सब बता देते हैं. तो ऑब्वियसली ऐसा एडमिशन के टाइम पे जब मैं सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग था तब मेरी कॉलेज में भी ये सब लगा था. तो तब देखा तो वो सारी कंपनीज का नाम वगैरह पहली बार सुना था. फिर ऑब्वियसली तब तो गूगल था ही, मतलब इंटरनेट तो आ ही गया था, हाथ में मोबाइल रहता था. तो गूगल किया कि क्या होता है ये, कंपनीज का क्या है ये सब वो. तो तब ऐसे सर्च करते करते सब समझ आया था कि ऐसा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज ऐसा कुछ डिफरेंस होता है. तो लोग ऐसे डिफरेंस या सो ये डिफरेंस वगैरह क्यों होता है ये सब वो, जब इसके बारे में जब ज्यादा पता चला तब पता चला कि या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एनवायरनमेंट और इसका एनवायरनमेंट में काफी डिफरेंस है. सो द बिगेस्ट रीजन वाज लाइक एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट तुम्हें मिलता है, मतलब वी ऑल एग्री ऑन दैट कि अगर पर्सन पर्सन पे उसके एनवायरनमेंट वो जहाँ पे है उसका काफी इफेक्ट होता है उस पे. इन्फ्लुएंस, जस्ट बिल्कुल इन्फ्लुएंस रहता इन्फ्लुएंस, यस करेक्ट, इन्फ्लुएंस होता है उसका. जस्ट इफ इट्स अ पॉजिटिव, इफ इट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, व्हाट एवर इट है। इज. सो या सो यू दैट ग्रो वाज बेटर, यू ग्रो बेटर। या यू ग्रो बेटर, करेक्ट सर. सो यही था कि और प्लस पॉइंट ये था मेरा कि आई फील वेरी लकी कि मेरी लाइफ में मेरे टीचर्स का काफी इन्फ्लुएंस रहा है, मुझे काफी सपोर्ट भी मिला है उनसे. तो उस उनके साथ जितना मतलब रहता था टाइम, जितना मैं ज्यादा बिताती थी उससे ज्यादा पता चलता था कि लाइफ में हमें अचीव क्या करना है. एंड अदर थिंग इज दैट ऑफकोर्स हमने हमारे पेरेंट्स को भी स्ट्रगल करके देखा है कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज इन देयर टाइम. अब तो हमारे पास पूरे रिसोर्सेस है तो हमें कुछ तो करना चाहिए. सो सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड सेम जैसे खत्म हुआ तब ऐसा था कि हमारी कॉलेज के बाहर ही ICT वाले है ना वो ब्रोशर्स लेके अपने आए थे और वो ब्रोशर्स हमें सर्कुलेट कर रहे थे. तो वो ब्रोशर्स में समझ वो अबाउट गेट है ना कि व्हाट इज इट, व्हाई वी डू, व्हाई वी गिव एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये सब वो. तो जब वो ब्रोशर मैंने पढ़ा तो तब ऐसा लगा था कि एटलीस्ट कुछ नहीं मिला है ना मुझे, कुछ नहीं मिला फिर भी अगर इफ आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम तो मेरे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे. जिस फील्ड में अभी मैं हूँ, जिस फील्ड में मैं अपने 4 साल दे रही हूँ है ना, आई एम स्पेंडिंग माई 4 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो कुछ तो निकलना चाहिए इससे, कुछ तो मिलना चाहिए इससे. तो एटलीस्ट इफ आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम तो मेरे कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर होंगे. अगर आज कोई मुझे आके पूछेगा क्या है क्या नहीं, मुझे पता है ये सब. सो दैट वाज द बिगेस्ट या तो ये सब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गया था. और फिर फोर्थ सेम में मैंने गेट एकेडमी ज्वाइन किया था.